अगर इसकी टाइमिंग चैन यहाँ से देखें तो टाइमिंग चैन टाइट है। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ और आपके साथ छोटी छोटी जानकारी शेयर करूँगा जो आपके काम आएगी, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि टाइमिंग चैन टाइट होने के बाद भी आवाज़ क्यों आ रही है इंजन से। तो मैंने इसको यहाँ तक खोल दिया है और फिर अब इसके डिस्प्ले के जो बोल्ट हैं उनको हम खोलेंगे। ये इंपैक्ट ड्राइवर है हमारे पास, ये वाला टूल जो है ये इंपैक्ट ड्राइवर है। इसकी मदद से अगर कोई बोल्ट जाम है और वो खुल नहीं रहा है तो इसकी मदद से वो आसानी से खुल जाता है। अब इसको बाहर निकालेंगे, डिस्प्ले को दोनों तरफ से बराबर बराबर इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी डिस्प्ले भी निकल गई और अगर हम यहाँ से इसके टाइमिंग चैन देखें तो टाइमिंग चैन टाइट है। देखो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके टाइमिंग चैन टाइट है, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है। जैसा कि आपने पहले शुरू में देखा था इंजन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो इसका रीज़न क्या है कि टाइमिंग चैन टाइट है लेकिन आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए हमें इसका पंप का जो बोल्ट होता है नीचे ये वाला, इसको खोलना पड़ेगा। क्योंकि जिनकी बाइक है उन्होंने मुझे बताया था कि अभी कुछ देर पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उन्होंने किसी मैकेनिक को दिखाई होगी ये बाइक और उसने इसमें हो सकता है आड़ी स्प्रिंग लगाया हो। देखिए वही बात है जो मैं सोच रहा था, इसमें आड़ी स्प्रिंग लगा दिया, अभी कुछ ही देर पहले लगाया है ये, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लगे हुए, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई, टाइमिंग चैन टाइट हो गई लेकिन आवाज़ आ रही थी फिर भी। इसके रोलर वगैरह बाहर निकालते हैं। जब टाइमिंग चैन की लाइफ पूरी हो जाती है चाहे हम हार्ड स्प्रिंग भी लगा दें लेकिन आवाज़ बंद नहीं होती। तो मैंने इसका सारा सामान खोल दिया और केम देखिए न्यूट्रल है। ये इसका पंप है, टेंशनर जिसको बोलते हैं। इसमें हम जिधर इसमें एक बॉल आती है गोली, उधर थोड़ा सा पेट्रोल डाल के देखा तो पेट्रोल नीचे नहीं जाता, वहीं पे रुका रहता है। तो इसका मतलब है कि ये इसका टेंशनर ठीक है और इसका बड़ा रोलर जो है वो भी ठीक है, इसमें बिल्कुल भी फ्री प्ले नहीं है बोल्ट के यहाँ, और ये छोटा रोलर भी इसका ठीक है। अगर इसमें हार्ड स्प्रिंग लगे हुए ये ज़्यादा चलती तो ये सब ख़राब हो जाता। ये रबड़ भी सही है और इसकी जो ऑयल पंप की गरारी है वो भी सही है, ठीक है। और यहाँ से ये जो इसकी पत्ती होती है जहाँ पे छोटा रोलर लगता है ये भी सही है। तो इसका सारा सामान सही है, मैं इसमें केवल टाइमिंग चैन डालूँगा हीरो की जेन्युइन। तो हम एक छोटी सी स्पोक लेके और उसको इधर से अंदर लगा के जैसे मैं लगा रहा हूँ, मैं तो इसी तरीके से टाइमिंग चैन निकालता हूँ यहाँ से। हो सकता है आपका तरीका अलग हो लेकिन मैं इसी तरीके से टाइमिंग चैन निकालता हूँ इंजन के अंदर से दूसरी साइड, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे खींचेंगे तो ये आगे तक पहुँच जाएगी टाइमिंग चैन। अब इसके बाद हम इसको इसमें जो बोल्ट होता है ना साइड प्लेट वाला बोल्ट, उसको आगे कर देंगे जिससे कि यहीं पे रुकी रहे, और यहाँ क्रैंक पे जो गरारी लगी हुई है उस पर हम इसको बैठा देंगे। देखिए केम न्यूट्रल है, अब इसके बाद बड़ा रोलर जो है इसका वो मैं चेंज नहीं करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। अगर स्प्रिंग हार्ड स्प्रिंग लगा के ये बाइक ज़्यादा चल जाती तो ये सब ख़राब हो जाता, लेकिन हार्ड स्प्रिंग अभी लगवाया था इन्होंने कुछ ही देर पहले, जो बाइक वाले हैं उन्होंने किसी मैकेनिक से लगवाया होगा, लगवाया का मैकेनिक ने खुद लगाया होगा, क्योंकि मैकेनिक ही चाहता है कि कभी कभी जुगाड़बाजी कर देते हैं। तो बड़ा रोलर जो है वो मैं पुराना ही लगा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा हार्ड है। तो इसको हम हल्का हल्का सा हिट करेंगे ना ये अंदर चला जाएगा जहाँ पे ये लगता है,
कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे लगाता हूँ लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आप यहाँ ना सोचे कि हम इसको हिट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगी। बस जहाँ पे बोर्ड लगता है रोलर वाला, रोलर में वहाँ पे चाल नहीं होनी चाहिए, प्ले नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से अंदर इसमें अपना हाथ लगा के रोलर को सामने लाएंगे, यहाँ पे बोल्ट लगता है, और फिर बोल्ट लगाएंगे इसका। अभी ये सामने नहीं आया, आगे से चैन को ऊपर उठानी पड़ेगी इस तरीके से, और यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर करके अब रोलर का जो होल है वो सामने आ गया। अभी हम यहाँ पे बोल्ट लगा देंगे और इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। इसका जो 10 नंबर का बोल्ट है रोलर वाला, इसमें एक एल्यूमिनियम की वॉशर भी होती है, उसको ज़रूर लगा दें नहीं तो लीक जाएगी। और फिर यहाँ से चेक कर लें कि रोलर अच्छी तरीके से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। अब चैन को यहाँ से उतार के बोल्ट पे छोड़ देंगे, जो साइड प्लेट का बोल्ट है। अब छोटा रोलर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। छोटा रोलर लगाने के बाद फिर से चैन को वहीं पे चढ़ा देंगे। अब हमको लगाना पड़ेगा इसका जो पंप होता है ना, टेंशनर ये। तो इसमें जिधर गोली होती है, बॉल होती है, उधर कुछ नहीं करना, और दूसरी साइड पे उसके रबड़ लगानी है। और फिर जिधर रबड़ लगती है उसको ऊपर करके इसको अंदर लगा देंगे। फिर देखिए, अब हमें जो है इसमें नई टाइमिंग चैन डाल दी। अब स्टैंडर्ड स्प्रिंग लगाएंगे, जो सॉफ्ट होता है, नरम होता है, वो वाला। हार्ड स्प्रिंग इसमें नहीं लगाना, ये जुगाड़बाजी होती है और फिर भी आवाज़ बंद नहीं होती स्प्रिंग वगैरह लगा के। तो चलिए इसको लगा दिया। अब इस बोल्ट को जो है टाइट कर देंगे पूरा अच्छी तरीके से, ताकि लीकेज वगैरह ना आए। और इसमें भी एक एल्यूमिनियम की वाशर होती है, जो 14 नंबर का बोल्ट है ना, उसमें उस वाशर को भी ज़रूर लगाएं, जो कि इसमें लगी हुई थी, ठीक है। तो इसको हमने टाइट कर दिया था रोलर के बोल्ट को, ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब इसके बाद हम इसका जो टाइमिंग है उसको सेट करेंगे। यहाँ पे मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेट को आप टॉप पे करें और आगे हेड में से ध्यान रखें कि चैन उतर ना जाए। वहाँ पे अपना हाथ लगा के उसको पकड़ के रखें और फिर मैग्नेट घुमा के मैग्नेट को टॉप पर करें। अब देखिए यहाँ से ये टॉप कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइमिंग पे कैसा आएगी इसका जो मैग्नेट है वो। देखिए यहाँ पे टी के पास एक लाइन है, ये वाली, ये, और यहाँ पे एक स्लोट बना हुआ है उसका, ये वाला पॉइंट। ये दोनों आमने सामने एक सेंटर में होने चाहिए, ठीक है। और इसकी ये जो गरारी है, यहाँ पे एक जीरो बनी हुई है, जैसे जीरो होती है ना, इस तरीके से बना हुआ है। और हेड में भी एक आगे कट है, वो दोनों एक सेंटर में रहेंगे। केम को हमने पहले ही, केम शाफ्ट जो है उसको पहले ही हमने न्यूट्रल कर दिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो अब पेचकस से धीरे धीरे टाइमिंग चैन को इस गरारी पे बैठाएंगे। वो जीरो का निशान जो है उसको हेड में जो कट बना हुआ है, दोनों को एक सेंटर में करके। तो अब ये बिल्कुल दोनों टाइमिंग पे आ चुके हैं। केम शाफ्ट भी, इसकी केम शाफ्ट की जो गरारी है वो भी, और मैग्नेट भी। अब इसका टाइमिंग सेट करने के बाद यहाँ पे इसके 8 mm के जो बोल्ट होते हैं दोनों, उनको लगा देंगे। अभी ये सामने नहीं आई,
इसके जो बोल्ट होते हैं उसको पेंचकस से घुमा के बिल्कुल सामने ला के और फिर इसके 8 mm के बोल्ट लगाएंगे। इन दोनों बोल्ट को टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से, यहाँ से मैग्नेट पकड़ के, और दोनों इसके 8 mm के बोल्ट टाइट करेंगे जो गदारी वाले बोल्ट हैं इसके। अब देखिए मैं एक बार और इसको आपको इसका टाइमिंग दिखा देता हूँ मैंने कैसे सेट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो स्लॉट है और टी के पास जो लाइन है वो एक सेंटर में, और गदारी पे जो जीरो बनी हुई है वो हेड के सेंटर में आ गई जहाँ पे कट लगा हुआ रहता है हेड में। अब मैग्नेट को वापस निकाल के और इसका जो पंप है टेंशनर है उसका 8 mm का बोल्ट खोल के वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिससे कि टाइमिंग चेन पूरी तरीके से टाइट हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ऑयल नहीं डालते तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑयल आता है, तब तक टाइमिंग चेन लूज ही रहती है जब तक ये यहाँ पे ऑयल नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, पहले ही यहाँ पे ऑयल डाल देंगे जिससे टाइमिंग चेन अभी पूरे तरीके से टाइट हो जाएगी। इस तरीके से कैन में थोड़ा सा ऑयल लेके और यहाँ पर डाल के फिर यहाँ से वापस बोल्ट को लगा देंगे। अगर हम इसका पंप जो है टेंशनर है उसको ऑयल डालने से पहले दबाएंगे तो ये आसानी से दब जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पे ऑयल डाल के बोल्ट लगा देते हैं तो ये तुरंत ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है। एक बार और गाड़ी के बोल्ट चेक कर लिए दोबारा से, तो चलिए अब इसकी डिस्प्ले लगाते हैं। यहाँ पे दो रबर रिंग लगते हैं, एक ऊपर एक नीचे, दोनों लगे हुए हैं इसमें, पहला नहीं था। ये देखिए पंप पूरी पूरे तरीके से टाइट हो गया। डिस्प्ले को साफ कर लें और इसका जो रबर रिंग होता है बड़े वाला उस पर थोड़ी सी रेजी बॉन्ड भी आप लगा सकते हैं। तो उसकी डिस्प्ले को लगा दिया। और इसमें जहाँ पे पैड लगती है ना, सेल्फ की चैन की पैड लगती है, वो इसमें ऊपर आएगा और उसको फिर दोनों बोल्ट लगा देंगे। अब देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है पूरी तरीके से और इसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं मैंने आपको जो छोटी छोटी जानकारी दी है वो आपको आपके काम आएगी और आपको समझ में आ गया होगा कि टाइमिंग चैन कैसे चेंज करते हैं। अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं।